इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर आर। तो एक काम करते हैं, दो स्क्वायर हैं तो साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और साइड ऑफ स्क्वायर बी सेम है, साइड ऑफ स्क्वायर बी उसको अपन वाई मान लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ एरिया, तो ए स्क्वायर का एरिया होगा एक्स स्क्वायर, बी वाले का एरिया होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 दिया हुआ है हमको, ठीक है। एंड द डिफरेंस इन दिया पैरामीटर, हमको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका पैरामीटर होता है 4a, मतलब 4 इंटू साइड। तो डिफरेंस इन दिया पैरामीटर 24 दिया है। अब वो 4x माइनस 4y भी 24 हो सकता है या फिर 4y माइनस 4x भी 24 हो सकता है, हमको नहीं पता कौन सा बड़ा है। तो हम दोनों में से यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले इस वाले केस को लेके चलते हैं, पहले ये वाला केस सिनेरियो लेके चलते हैं, केस वन एंड केस टू, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो जाएगी 6 प्लस y, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको ओपन करेंगे तो ये जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बन रही है 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 468। 2 कॉमन लेके इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 234। 234 को हम RHS में लेके आएंगे तो इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 228 इज इक्वल टू 0। अब हमको करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा यहाँ पे करूँगा वाई स्क्वायर माइनस 18y, सॉरी प्लस 18y माइनस 12y माइनस 228 इज इक्वल टू 0। तो वाई यहाँ से कॉमन ले लूँगा, वाई प्लस 18 माइनस 12 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 12 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हम सबको पता है, तो ये वाला आंसर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 12। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी ना, ये वाली, क्योंकि हम केस वन लेके चल रहे हैं। तो y की वैल्यू आई है हमारे पास अभी 12। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें, इन केस ऑफ x, इन केस वन एक्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 6 प्लस y, तो जो हो जाए 6 प्लस 12, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 18। तो हमारे पास आंसर तो आ चुका। ऐसे ही सेकंड केस में यहाँ से वाई इक्वल टू 6 प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ पे आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे, सब ये पूरा सेम बनेगा, ये पूरा सेम बनेगा, पर यहाँ पे जो कोइफिशियंट होगा वो हो जाएगा, कोइफिशियंट नहीं सॉरी वेरिएबल जो होगा वो एक्स हो जाएगा, सॉरी जो वेरिएबल है वो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स की सेम वैल्यू आएंगी माइनस 18 और 12, माइनस 18 और 12 आएंगी, तो हम माइनस 18 को कैंसिल कर देंगे एक्स में, और जब वाई पुट करेंगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी 18। तो इसका आंसर है जो एरिया ए है, जो साइड्स हैं स्क्वायर की वो 18, 12 है। अब वो कोई भी स्क्वायर की कोई भी साइड्स हो सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन इससे ख़त्म हो जाएगा।